वेरी गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास, चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान। हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है वो हम लोगों ने शुरू किया हुआ था, एंड जिसका हम द वेरी फर्स्ट पार्ट जो था हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से दिल्ली जो था एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। द पेज ऑन द स्क्रीन हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय मी बिफोर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो, एंड हेयर वॉज द रूलर्स ऑफ द दिल्ली, जिनको हम ये चीज़ कर रहे थे कि कौन सी सेंचुरी में कौन से रूलर्स प्रेजेंट होते थे। एंड वी वर ऑन आर थर्ड पेज, जहाँ पर जो स्क्रीन पर अब प्रेजेंट है। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, दिस इज़ अबाउट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। हैव योर बुक्स एंड नोटबुक्स विद यू सो दैट इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चैप्टर। तो यहाँ पर हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, यानी कि जो दिल्ली थी वो एक बहुत ही अच्छा हब माना जाता था, एक बहुत ही अच्छा किंगडम माना जाता था कोप अप करने के लिए। एंड दिस वी आर गोइंग टू रीड, फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, ये हम पढ़ रहे हैं। ऑल दो इंस्क्रिप्शन क्वाइंस एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन स्पेशली वैल्यूएबल हिस्ट्री तरूप रिटन इन द पर्शियन द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी क्वाइंस और आर्किटेक्चर्स से रिलेटेड ही हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, जिससे तारीख और त्वरू किया कि डेट समय जो प्रोवाइड की जाती है दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। द ऑथर्स ऑफ द त्वरीक वर लीन वर लर्न मैन सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेशन पोएट्स कोटरीज हु बोथ काउंटेड इवन इवन एंड एडवाइस रूलर ऑन द गवर्नेंस एम्फसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ जस्ट रूल्स। अब ये क्या कर रहे हैं कि जो भी ऑथर्स होते थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को संभालते थे, वहाँ पर जो राजाओं को राय देते थे जो लोग, वो हर एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर डाला करते थे, बहुत ज़्यादा इम्फेसिस देते थे। उन्हीं के थ्रू, उन्हीं की चीज़ों की प्रेजेंस होने के थ्रू ही हमें आज क्या है, हम हिस्ट्री पढ़ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज है हमारे पास, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। द ऑथर ऑफ त्वारिक लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। द ऑथर्स ऑफ त्वारिक जो थे वो दिल्ली में रहा करते थे या फिर किसी विलेजेस में। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। मतलब कि ऐसी एक फेमस हिस्ट्री सब लिखना पसंद करते थे जिनके बदले उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स मिले जाएंगे, तो उन्होंने सुल्तान्स के बारे में लिखा है। दिस ऑथर एडवाइज रूलर ऑन नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। द आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी। जो ये ऑथर्स थे ये राय देते थे कि क्या आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस, मतलब इस तरीके का जो रूल था उन्होंने बनाने की जो वो दी थी। यहाँ पर देखिए बर्थ राइट को क्या बोला है, प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट टू गवर्न बिकॉज दे वर बोर्न इन सर्टेन फैमिलीज। मतलब कि जब बर्थ राइट होता है, बर्थ पर क्या क्या राइट होते हैं, जन्म के साथ क्या अधिकार मिल जाते हैं, वो चीज़ें डिफाइन करना। एंड जेंडर, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मैन, यूजली दीज डिफरेंसेस आर यूज आर्ग्यू दैट मैन एंड आर सुपीरियर वुमेन। और जेंडर से लेकर जो भी डिफरेंसेस होते थे वो बताए जाते थे। इन 1236 सुल्तान इतुमलिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। मतलब कि रजिया जो वहाँ की सुल्तान की जो डॉटर थी वो खुद वहाँ की सुल्तान बनी। द क्रॉनिकल ऑफ एज मीनाद सिराज रिकोगनाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर। अपने सारे भाइयों से ज़्यादा वो थी, उस चीज़ के लिए काबिल थी। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर। बट वो क्या थे, राजा जो थे वो चाहते नहीं थे कि एक लड़की जो है रूलर बने, उस एरिया को रूल आउट करे। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी टू अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली। शी वॉज रिमूव द थ्रोन इन 1240। क्या किया गया था, उसको बाहर निकाल दिया गया था। कोई भी उसके किंगडम पर रूल करने से उससे कोई भी राजी नहीं था, इसीलिए उसको क्या किया गया था, उसको बाहर निकाल दिया गया था। देन अब क्या है, मतलब कि वहाँ पर जेंडर पहले ही बता दिया है कि किस तरीके से होता था। अब यहाँ पर क्या है, फ्रॉम गैरिसन टाइम टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। मतलब किस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत थी उसने एक्वायर किया था दूसरी चीज़ों को, किस तरीके से उसने दूसरी चीज़ों पर अपना रूल आउट किया था। इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हैविली फोरफिटेड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय द गैरिसन्स। गैरिसन्स क्या है, अ नेम ऑफ मतलब कि कम्युनिटी का नाम प्रेजेंट किया गया है, फोरफिटेड सेटलमेंट्स विद द सोल्जर्स। वो क्या कह रहे हैं,
In the early 13th century, the control of Delhi Sultan really went beyond heavy fortified towns occupied by the garrisons. जो garrisons ने occupied किए गए थे towns, Delhi Sultanate उनको acquire करना चाहता था. The Sultan seldom controlled the hinterland. Seldom होता अकेले का control the land adjacent to a city or a port that supplied it with goods and services. मतलब कितना जो hinterland था, मतलब कौन सा लैंड जहाँ से रॉ मटेरियल वगैरह प्रोडक्शंस के लिए उनको आता था. सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटी एंड वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड ट्रिब्यूट और प्लम्बर फॉर सप्लायर्स. मतलब कि एक सेल्डम कंट्रोल्ड हिंटरलैंड ऑफ द सिटी, उस सिटी का एक सेल्डम कंट्रोल बनना चाहता था ताकि जो डिपेंडेंट है वो किसी पे ना रह सके. कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड द सिंध फ्रॉम द दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. दिल्ली से इन जगहों को कंट्रोल करना जो था वो बहुत मुश्किल हो रहा था. रेबेलियन वॉर इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स. मतलब कि इतनी दूर से, ठीक है, और एक हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता था वो इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पर, तो ये मेन कारण थे कि जो गैरिसन टाउन्स में जो कंट्रोलिंग का सिस्टम था वो अभी तक दिल्ली का अच्छा नहीं था. द दिल्ली अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंजिड बाय मंगोल इन्वेजन फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड बाय द गवर्नर हु रिबल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस. मतलब कि चैलेंजेस भी किए गए थे दूसरे राजाओं के द्वारा, इनकी वीकनेसेस पर चैलेंजेस भी किए गए थे. द सल्तनत बेरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस. इट्स कंसोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ रीजन ऑफ गियासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खालजी एंड मोहम्मद तुगलक. यानी कि ये क्या किया गया था, एक्सपैंड किया था अपनी सल्तनत को इनके अंडर. जब ये लोग आए थे अलाउद्दीन खालजी एंड मोहम्मद तुगलक आए थे तो इनके अंडर उन्होंने अपने एक्सपेंशन, अपने सल्तनत, अपने एरिया का जो था एक्सपेंशन किया था. द फर्स्ट सेट ऑफ कंपेन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान एम एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द ग्रिमसन टाउन. हिंटरलैंड ऑफ ग्रिमसन टाउन का क्या मतलब होता है कि ग्रिमसन टाउन पे जो सप्लाई एरिया था, जहाँ पर जो लैंड था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई. ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर इन गंगा यमुना डूब एंड हंटर गैदर्स एंड द पेस्टुलिस्ट एक्सपेल फ्रॉम देयर हैबिटेट. और इस कैंपेन के ड्यूरिंग मतलब बहुत सारे जंगल्स थे जो उनको काटा गया, ठीक है, गैदर और हंटर थे वो अपना अपना हैबिटेट उनको छोड़ना पड़ा. मतलब कि इस कैंपेन से जब आप कंट्रोल ओवर कर रहे हो वहाँ पर उस एरिया पे, तो आप अपनी मर्जी से वहाँ पर जो चीज़ें उनको सेटअप करते हो, फॉरेस्ट को आपने क्लियर किया है, लोगों को, रहने वालों को आपने वहाँ से क्या किया है, निकाला है. तो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो जो आपने यहाँ तक किया है, पेज नंबर 34 तक हमने कर लिया है, एंड नेक्स्ट हम अपने थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में करेंगे.